नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं अ शॉकिंग रिवीलेशन ऑफ इंक्रीजिंग कैंसर्स इन टीन्स, ऐसे कैंसर्स जो हम पहले कभी टीन्स में नहीं देखते थे। ये यंग एडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स के अंदर एक कुछ अजीब सा रिवीलेशन है, जिसके अंदर हम लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन यानी बड़ी आंत के कैंसर्स का बढ़ता हुआ इंसिडेंस टीन्स और एडोलेसेंट्स में देख रहे हैं। इसका क्या कारण है ये बताना बहुत मुश्किल है। शायद इसके पीछे कुछ जेनेटिक लिंक है जो अभी तक साइंस ठीक से नहीं समझ पाई है। कुछ हद तक पोल्यूशन, जहाँ पर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ईटिंग हैबिट्स, ओबेसिटी, ये सब एक मुख्य कारण माने जा सकते। ऐसा कहना मुश्किल होगा कि सभी इंडिविजुअल्स में इनमें से कोई ना कोई रिस्क फैक्टर मिलेगा। काफ़ी सारे ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे यंग एडल्ट्स हैं जिनमें इनमें से कोई भी कारण नहीं मिलता, फिर भी कैंसर बहुत अर्ली हो जाता है। शायद ये छुपे हुए कारण हमारी प्रॉपर दिनचर्या, जो आजकल की दिनचर्या है, पोल्यूशन से रिलेटेड है, पर ये अपने आप में बहुत सीरियस मैटर। तो आइए जानते हैं कि इनको कैसे अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम है जो ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि वो सिम्टम 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा ले रहा है, वेट लॉस हो सकता है, ना जाने वाली खांसी हो सकती है, बाउल हैबिट्स में बदलाव यानी कि कभी कब्ज और कभी लूज मोशंस हो जाना, वेट लॉस हो जाना, भूख ना लगना, तो आपको अपनी जांच पड़ताल टाइम से करानी चाहिए। ये नहीं सोच सकते कि ये टीन है तो इसमें ये बीमारी नहीं हो सकती। प्रॉपर जांच पड़ताल से हमें इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल सकता है। बी अवेयर, बी कॉशियस एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।